रोजाना 9 बजे रात में लाइव पढ़ाता हूं। हाउ टू डू रेजोनेंस, हाउ टू डू रेजोनेंस, हाउ टू डू रेजोनेंस, रेजोनेंस हम लोग कैसे करेंगे या रेजोनेंस कैसे होता है ये देखना है। चाणक्य ने कहा था कि कोई आदमी कभी भी अपने मिशन में फेल्योर नहीं हो सकता जब वो ये समझे, जब उसको ये पहले से पता हो कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ करने के लिए ठान ले तो उसको जरूर करे, उसमें कभी भी डेविएशन नहीं हो। तो चाणक्य ने कहा था कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, शर्त यह है कि दृढ़ इच्छा होनी चाहिए पहली बात, और दूसरी चीज़ कि डेविएशन नहीं होना चाहिए, पाथ से डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कि क्या हमसे हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये पॉइंट। तो अगर हम सोच लिए कि हमसे हो सकता है तो फिर उससे पीछे नहीं हटें, उस राह पर एकदम अडिग रहें, अटल रहें, बढ़ते जाएं तो कामयाबी मिलेगी। तो हम देखेंगे पहला पॉइंट क्या और दूसरी चीज़ क्या कि कितने मेरे पास एनर्जी है। अब ये नहीं कि पाँच हज़ार रुपया हो आपको और 5 लाख का काम ठान लें तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत गैप है। हाँ, वो ज़रूर अगर आप मैसेज शेयर करते हैं दूसरे से, अगर वो आपकी मदद करता है तो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन तो उसी तरह से रेजोनेंस में भी ये सोचना है कि किस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा और कहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर रेजोनेंस होगा तो कितने एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और तीसरा क्या कि जो एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है वो उसके पास वो इलेक्ट्रॉन देकर कर सकता है या इलेक्ट्रॉन लेकर कर सकता है। ये तीन पॉइंट हम लोगों को देखना है। तो पहला क्या लिखेंगे, पहले पहला पॉइंट क्या, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट रेजोनेंस इज पॉसिबल, रेजोनेंस इज पॉसिबल इन द कंपाउंड। पहले क्या देखना है, वेदर और नॉट रेजोनेंस इज पॉसिबल इन द कंपाउंड, ये कैसे पता चलेगा जो 6 कंडीशन हम लोग पढ़े हैं उससे, ठीक है। दूसरा, इफ रेजोनेंस इज पॉसिबल, इफ रेजोनेंस इज पॉसिबल देन हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एटम्स और पार्ट ऑफ द कंपाउंड, पार्ट ऑफ द कंपाउंड कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो कितना एटम या कितना पार्ट ऑफ द कंपाउंड रेजोनेंस में पॉसिबल, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। और तीसरा और आखिरी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया, चाणक्य नीति के अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वेदर और नॉट रेजोनेंस इज पॉसिबल इन द कंपाउंड, कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। दूसरा, रेजोनेंस अगर पॉसिबल है तो कितना एटम या कितना पार्ट ऑफ द कंपाउंड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा
वो इलेक्ट्रॉन देकर करेगा या इलेक्ट्रॉन लेकर करेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, पहला हम लोग देखे कि रेजोनेंस होगा या नहीं, दूसरा क्या, अगर रेजोनेंस होगा तो कितना एटम या कितना पार्ट ऑफ द कंपाउंड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, कितना एटम या कितना पार्ट ऑफ द कंपाउंड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन देकर करेगा कि इलेक्ट्रॉन लेकर करेगा, ये देखना। अब इस बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन देने और लेने के बेसिस पर, हम लोग रेजोनेंस क्यों में जितने भी ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉन देने और लेने के बेसिस पर हम लोग पूरे रेजोनेटिंग ग्रुप को चार पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, पूरे रेजोनेटिंग ग्रुप को चार पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। क्या कहा गया, हाउ टू डू रेजोनेंस में देखा गया कि कौन कितना कौन कौन सा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन दे कर करेगा या इलेक्ट्रॉन लेकर करेगा। बात समझ में आई, हाउ टू डू रेजोनेंस में पहला पॉइंट क्या हुआ, वेदर और नॉट रेजोनेंस इज पॉसिबल इन द कंपाउंड। पहले देखेंगे कि कंपाउंड रेजोनेंस कंपाउंड में पॉसिबल है या नहीं। दूसरा क्या हुआ कि अगर पॉसिबल है तो कितना एटम या कितना पार्ट ऑफ द कंपाउंड रेजोनेंस में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन दे कर करेंगे या इलेक्ट्रॉन लेकर करेंगे, यानी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग चार कैटेगरी में बांटे हैं, ठीक है। दो कैटेगरी है जो इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस में भाग लेगा, और दो कैटेगरी है जो इलेक्ट्रॉन लेकर रेजोनेंस में भाग लेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप, पूरे फंक्शनल ग्रुप को चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो क्या लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप ऑल फंक्शनल ग्रुप कैन बी क्लासिफाइड एज, पूरे फंक्शनल ग्रुप को चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, अगर किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पर लोन पेयर हो, अगर किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पर क्या हो, लोन पेयर हो, तो वो इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस से भाग लेगा, क्योंकि लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस से भाग लेगा। ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, डोनर कहेंगे। और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा, टुआर्ड्स द ग्रुप होगा या अवे फ्रॉम द ग्रुप होगा, तो टुआर्ड्स द ग्रुप होगा। तो ये हम लोगों को देखना है। तो क्या कहेंगे, इफ एनी ग्रुप हैविंग लोन पेयर ऑन इट्स फर्स्ट एटम, इफ एनी ग्रुप हैविंग लोन पेयर ऑन इट्स फर्स्ट एटम कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. क्या कहा गया? इफ एनी ग्रुप हैविंग लोन पेयर ऑन इट फर्स्ट एटम कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. कौन सा इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है. एंड सच ग्रुप्स आर कॉल्ड क्या? डोनर. ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं. इफ एनी ग्रुप हैविंग लोन पेयर ऑन इट फर्स्ट एटम कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड सच ग्रुप्स आर कॉल्ड डोनर. इन अदर वर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन विल बी क्या? अवे फ्रॉम द ग्रुप. विल बी अवे फ्रॉम द ग्रुप. अवे फ्रॉम द ग्रुप एंड सच ग्रुप्स आर कॉल्ड क्या? एंड सच ग्रुप्स आर कॉल्ड डोनर. ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं. एग्जाम्पल में लीजिए क्या होगा. जैसे OH है, OR, NH2, NHR, NR2, X, SH, SR, OC(OR), ONO, ONO2 और NH(C(OR), ये सबके फर्स्ट एटम पर क्या है? लोन पेयर है. फर्स्ट एटम पर क्या है? लोन पेयर है. जिस ग्रुप के भी फर्स्ट एटम पर लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस भाग लेगा. ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? डोनर कहेंगे. इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस भाग लेगा. ठीक है. अल्कोहल ईथर एमीन हैलो थायो अल्कोहल थायो ईथर ये सभी हो गए. ईटीसी कर लीजिए. और भी हो सकता है. इस सब ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? ये सभी क्या है? डोनर है. क्या है? डोनर. कैपिटल डी से इंडिकेट कर दिए. ये सभी डोनर हैं. ठीक है. क्या कहा गया? अगर किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पर लोन पेयर हो तो वह इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है. ऐसे ग्रुप को हम लोग डोनर कहते हैं. और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है? अवे फ्रॉम द ग्रुप होता है. डोनर है. डोनर जितने भी हैं वो सभी क्या हैं? एक्टिवेटर होते हैं. डोनर क्या होता है? एक्टिवेटर. एक्टिवेटर क्या होता है? ऑर्थोपारा डायरेक्टर. और पोलराइजेशन किधर होगा? पोलराइजेशन होगा कहाँ? पोलराइजेशन अवे फ्रॉम द ग्रुप होगा. अवे फ्रॉम द ग्रुप होगा. पोलराइजेशन क्या होगा? अवे फ्रॉम द ग्रुप होगा. और निगेटिव चार्ज डेवलप होगा रेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड में. निगेटिव चार्ज डेवलप इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड. रेस्ट पार्ट
ऑफ द कंपाउंड। क्या कहा गया, अगर किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पर लोन पेयर हो तो वह इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस में भाग लेगा, ऐसे ग्रुप को डोनर कहेंगे। दुनिया में जितने भी डोनर हैं वो सब एक्टिवेटर माने जाते हैं, और एक्टिवेटर क्या होता है, ऑर्थोपारा डायरेक्टर होता है। अब पोलराइजेशन क्या होगा, अवे फ्रॉम द ग्रुप होगा और निगेटिव चार्ज डेवलप होगा रेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड में। जैसे अब एग्जाम्पल लिया जाए, अब जैसे देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और OCH3 है, तो क्या हो गया यहाँ, ये डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन देगा एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम। क्या कहा गया, डोनर है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन किधर देगा, अवे फ्रॉम द ग्रुप देगा, और रेस्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज। देखिए फिर ऐसा कर लिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ NHCH3 है, यहाँ लोन पेयर है एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम। बात समझ में आ गई, यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज। तो अगर किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पर क्या है, फर्स्ट एटम पर लोन पेयर हो तो वो इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस भाग लेता है, ऐसे ग्रुप को हम लोग डोनर कहते हैं। और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा, अवे फ्रॉम द ग्रुप होगा, ग्रुप से दूर होगा, और निगेटिव चार्ज डेवलप होगा रेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड में। अगर एक्सेप्टर लगा हो बेंजीन रिंग पर तो रिंग कैसा काम करेगा, डोनर की तरह काम करेगा। अगर एक्सेप्टर लगा हो बेंजीन रिंग पर तो बेंजीन रिंग डोनर की तरह काम करेगा। एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा रिंग से और पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा रिंग के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा जो अर्थो और पारा पोजीशन पर जाएगा। इस डिलोकलाइजेशन के प्रोसेस में 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप होगा। ठीक है, तो क्या लिखा जाए, इफ एक्सेप्टर अटैच ऑन रिंग देन रिंग इट्सेल्फ एक्टिंग एज डोनर। अरे एक्सेप्टर रिंग पर अटैच है तो रिंग कैसा काम करेगा, डोनर की तरह काम करेगा। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग From a ring and develop positive charge on ring, acceptor electron accept करेगा ring से और develop करेगा क्या, positive charge on ring which goes on ortho and para position, जो कहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कहाँ जाएगा ortho and para position। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस डिलोकलाइजेशन या पोलराइजेशन 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम बेंजीन रिंग। ठीक है, क्या कहा गया, अगर बेंजीन रिंग पर कोई एक्सेप्टर लगा हो तो रिंग कैसा काम करता है, डोनर के तरह काम करता है।
बेंजीन रिंग पर अगर कोई एक्सेप्टर लगा हो तो रिंग कैसा काम करता है? डोनर की तरह काम करता है। एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग एंड डेवलप करेगा पॉजिटिव चार्ज रिंग पर, जो कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर। अब देखें, अगर ये एक्सेप्टर है तो रिंग कैसा काम करेगा? रिंग कैसा काम करेगा? डोनर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये ऐसे किया, नाइट्रोजन पर जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या डेवलप हो गया? ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ निगेटिव चार्ज। फिर ये क्या होगा? अपने तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। फिर क्या होगा? पारा पोजीशन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ सी डबल बॉन्ड एन होगा। फिर ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड एन। अब फिर ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ऐसे घूमेगा, जब ही ये घूमेगा यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और ये फिर यहाँ आ जाएगा। क्या बन जाएगा? कितना कैनोन केल स्ट्रक्चर बना? 5 कैनोन केल स्ट्रक्चर। एक्सेप्टर लगा हो या डोनर, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना बनता है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या 5 होगी। ठीक है, अब और एक ग्रुप लगाते हैं, यहाँ हम सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ले लिए, इधर डबल बॉन्ड लगाए, फिर ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या हो जाएगा? यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ फाइव कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, सी ओ पर कौन सा चार्ज जाएगा? निगेटिव चार्ज, और यहाँ सी एच थ्री है, यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। फिर ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी एक्सेप्टर अगर रहेगा तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और वो कहाँ कहाँ डेवलप होगा? ऑर्थो पोजीशन पर और पारा पोजीशन पर डेवलप होगा, और ऑर्थो और पारा पोजीशन पर डेवलप होगा, और कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा? 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। ये सिचुएशन, फिर क्या हो जाएगा? ये फिर ये यहाँ आएगा और ये खुल के यहाँ आ जाएगा। कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गया? 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो डोनर लगा हो या एक्सेप्टर, रिंग से 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये बात हो गई। अब अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 ही डेवलप हो, अगर मान लिया कि बेंजीन रिंग पर अगर एक स्टेप बाद में लगा हो, अगर डोनर क्या लगा हो, एक स्टेप बाद में लगा हो, तो इससे अब क्या हो जाएगा? इससे कैनोनिकल स्ट्रक्चर 7 डेवलप होगा, वो भी देख लीजिए। 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप होगा कैसे? यहां कौन सा चार्ज आएगा? देखें, रिंग में इंट्री से पहले क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप हो गया 2, और रिंग से कितना डेवलप होता है? 5, तो कितना हो जाएगा टोटल? 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, देख लिया जाए कैसे बनाएगा। यहाँ निगेटिव चार्ज, अगर डोनर लगा हो तो रिंग एक्सेप्टर की तरह काम करता है, ये पहले ही से हम लोग पढ़े हुए हैं। ये हो गया, फिर ये एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम हो जाएगा, यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप होगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर
फिर ये एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, फिर ये एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, यानी ये क्लियरेंस हुआ कि अगर रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड के बाद अगर डोनर या एक्सेप्टर अटैच हो तो टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना। तो डोनर लगा हो या एक्सेप्टर, अगर एक पाई बॉन्ड के बाद है तो कितना हो जाएगा, 7। दो पाई बॉन्ड के बाद रहे तो कितना हो जाएगा, 9। यानी दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा। अब जो है एक्सेप्टर लगा के देख लिया जाए, अगर एक्सेप्टर लगा हुआ हो तब भी यही सिचुएशन डेवलप होगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच और यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड एन ले लिए, या सी डबल ओ एच ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री ले लिए, क्या हो जाएगा, ये अपने तरफ खींचेगा, ऐसे हो गया, इससे भी 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। रिंग में इंट्री से पहले कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया, 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और अगर ये रिंग में इंटर करेगा तो 5 बनता है इससे, तो टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये आपको एक कंडीशन बताया गया कि अगर रिंग के बाहर एक पाई बॉन्ड के बाद अगर डोनर या एक्सेप्टर अटैच हो तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या कितनी हो जाती है, टोटल 7 हो जाती है। अगर रिंग के बाहर एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बाद अगर रिंग के बाहर अगर एक डबल बॉन्ड के बाद अगर डोनर या एक्सेप्टर अटैच हो तो ये सिचुएशन बनता है, सी एच डबल बॉन्ड सी ओ पर कौन सा चार्ज जाएगा, माइनस, और यहाँ ओ सी एच थ्री हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इधर खींच कर आएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी ओ पर कौन सा चार्ज, माइनस, और ओ सी एच थ्री हो गया। फिर ये इधर आएगा, तो अब ऐसे बन गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर। फिर ये यहाँ आएगा और ये ऐसे घूम जाएगा, कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गया, 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो डोनर लगा हो या एक्सेप्टर अगर रिंग में एक स्टेप के बाद अगर है तो ये क्या हो जाएगा, 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। अगर दो स्टेप बाद हो, अगर एक और डबल बॉन्ड रहता उसके बाद, तब कितना बन जाता है, 9 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या कितनी हो गई, 7, और यहाँ भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या कितनी हो गई, 7। यानी कि अगर एक स्टेप के बाद, मैंने एक डबल बॉन्ड एक और डबल बॉन्ड रहता तो कितना हो जाता, 9 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो जाता, एक और डबल बॉन्ड रहता तो 11 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो जाता। तो अगर डोनर रिंग पर लगा हो तो रिंग एक्सेप्टर की तरह काम करता है, और एक्सेप्टर लगा हो तो डोनर की तरह काम करता है। डोनर डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टुवार्ड्स रिंग और डेवलप करता है 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और एक्सेप्टर भी एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग और डेवलप करता है 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर डोनर लगा रहेगा
तो रिंग में निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, एक्सेप्टर लगा रहेगा तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। अगर रिंग के बाहर एक स्टेप के बाद अगर रहा तो सेवन का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनेगा, यानी एक डबल बॉन्ड के बाद रहा तो सेवन, दो डबल बॉन्ड के बाद अगर डोनर या एक्सेप्टर लगा रहा तो नाइन बनेगा, यानी कि एक डबल बॉन्ड बढ़ने से कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या दो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये देखा गया, तो अगर एक डबल बॉन्ड रहेगा तो दो, दो डबल बॉन्ड रहेगा तो उसी तरह से नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर बढ़ता घटता रहेगा, ठीक है। अब देखें कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देखा जाए, ये कौन सा हुआ, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का केस हुआ। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है बेंजीन पर तब फाइव कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है, एक स्टेप के बाद रहा तो सेवन बनता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। अब आप कुछ बनाएंगे वो स्ट्रक्चर हम दे दे रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया, जैसे कुछ बनाएंगे वो स्ट्रक्चर हम दे दे रहे हैं। अगर डोन एक्सेप्टर लगा रहा ऐसे रहा, यहाँ C डबल बॉन्ड O O H एक हुआ, अगर यहाँ CH2 प्लस लगा रहा, प्लस का भी मतलब क्या होता है, एक्सेप्टर ही होता है, ठीक है। अगर C ट्रिपल बॉन्ड, ये तो बताए हैं, N डबल बॉन्ड O लगा हुआ रहे, ये भी है, ये हो गया। और दूसरा अगर ऐसा दिया हुआ रहे, अब की बार हम नीचे स्टेप में दे रहे हैं सी एच और यहां ओ सी एच थ्री लगा हुआ रहे, ठीक है, या यहां एफ लगा हुआ रहे, फ्लोरीन लगा हुआ है, तब क्या होगा। और फिर दूसरा इसी जगह सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री लगा हुआ रहे, ये आप पांचों का स्ट्रक्चर बनाएंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि आप बना कर देखेंगे ऑर्थो और पारा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज जाना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इसमें निगेटिव चार्ज जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर डेवलप होगा, उसको बना के देखिए। अब चलें केस ऑफ क्या, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पर लगा हुआ रहे तब क्या सिचुएशन डेवलप होगा, उसको देखना है। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहे तो ऑर्थो और पारा रिलेटेड ग्रुप रेजोनेंस में भाग लेता है, लेकिन मेटा रिलेटेड ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। इन दिस केस ऑर्थो एंड पारा रिलेटेड ग्रुप्स, ऑर्थो एंड पारा रिलेटेड ग्रुप्स आर रेजोनेंस एस्टेबलाइजिंग बट नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बट नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बिटवीन क्या, मेटा रिलेटेड ग्रुप, मेटा
रिलेटेड ग्रुप बट नो रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन बिटवीन मेटा रिलेटेड ग्रुप। तो पहले हम लोग क्या कहा गया, ऑर्थो और पारा रिलेटेड रहेगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन मेटा रिलेटेड रहेगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जैसे देख लें एग्जाम्पल में, ऑर्थो रिलेटेड हम देखते हैं, क्या देख लिया जाए, ऑर्थो रिलेटेड यहां मान लिया हम ले लिए ओ, चलिए ओ एच ले लिए, और यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन या सी डबल बॉन्ड ओ ले लेते हैं, अल्डिहाइड ले लेते हैं, ऑर्थो रिलेटेड है। ऑर्थो रिलेटेड क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग होता है। कहा गया कि ऑर्थो पर अगर ग्रुप रहे और पारा पर ग्रुप रहे तो रेजोनेंस होगा, लेकिन मेटा पर रहे तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो अब देखिए ये डोनर है, डोनर से ही शुरुआत होती है, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, क्या हो जाएगा यहाँ, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ओ एच पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव, और सी डबल बॉन्ड ओ और एच है। अब ये देखिए इधर भी पाई बॉन्ड है और इधर भी पाई बॉन्ड है, सी ओ डबल बॉन्ड है और सी सी डबल बॉन्ड है, दोनों से ये निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड है, लेकिन सी ओ का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा है तो वो अपने तरफ खींचेगा, खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर यहाँ डबल बॉन्ड सी ओ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और यहाँ एच और यहाँ ओ एच पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब फिर ये बैक होगा एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, क्या हो जाएगा यहाँ, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ एच हो गया, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज, और यहाँ ओ एच पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर ये एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ ओ एच प्लस हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज, फिर ये पारा पोजीशन पर है, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम आएगा, फिर हम यहाँ बना दे रहे हैं, तो ऑर्थो रिलेटेड हो और पारा रिलेटेड हो तो रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग होता है, यानी रेजोनेंस में भाग लेता है, लेकिन मेटा रिलेटेड ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। फिर ये एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम हो जाएगा। तो कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना इससे, ऑर्थो या पारा रिलेटेड ग्रुप रहेगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और उससे 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप होगा। कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ बना, ये सब कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या यहाँ कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। तो ऑर्थो रिलेटेड रहा, फिर से एक बार केयर करें, एक डोनर और एक एक्सेप्टर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक डोनर और एक एक्सेप्टर, तो डोनर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन रिंग में और निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा जो ऑर्थो और पारा पोजिशन पर जाएगा, ये ऑर्थो पर आए, ये ग्रुप है तो कार्बोनाइल ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू सी सी डबल बॉन्ड, इसीलिए ये अपने तरफ खींचेगा और इस तरह से डिलोकलाइजेशन होगा। अगर पारा रिलेटेड है वो भी देख लिया जाए, अगर पारा रिलेटेड है यहाँ हम ले लिए NH2 और यहाँ ले लिए NO2, NH2 और NO2 पारा रिलेटेड ग्रुप है तो ये भी रेजोनेंस में भाग लेगा, ये डोनर है इलेक्ट्रॉन देगा एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, कहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ऑर्थो पोजीशन पर डेवलप होगा, यहाँ N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2 कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा माइनस, निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू क्या होगा एटम, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप होगा,
यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। फिर यहीं पर गौर करना है, अब पारा रिलेटेड ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है, अब नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, अब यहाँ NO डबल बॉन्ड है, ये एक्सेप्टर है और ये CC डबल बॉन्ड है, निगेटिव चार्ज को कौन अपने तरफ खींचेगा, पहले NO2 खींचेगा, इसीलिए यहाँ आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये तो पारा रिलेटेड ग्रुप भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ क्या हो गया, NO पर कौन सा चार्ज हो गया, माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, क्या NH2 कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। फिर ये बैक होगा, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, फिर निगेटिव चार्ज बैक आ गया, लेकिन ये इंडिकेट कर गया कि पारा रिलेटेड ग्रुप होगा तो वो रेजोनेंस में भाग लेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर इसका इसके नीचे बनाइए, नीचे बनाते हैं, क्या हो जाएगा, ये फिर एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू कहाँ जाएगा, एटम यहाँ, निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज चला गया, यहाँ क्या है, NH2 पर प्लस चार्ज है। फिर ये एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, इससे भी कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना, तो 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है। इससे भी कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है, तो अगर डोनर लगा हो या एक्सेप्टर लगा हो, डोनर लगा हो या एक्सेप्टर लगा हो, और पारा रिलेटेड अगर हो, डोनर एक्सेप्टर पारा रिलेटेड हो, डोनर एक्सेप्टर ऑर्थो रिलेटेड हो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन मेटा रिलेटेड होगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब उसको देखा जाए मेटा रिलेटेड को, ये तो ऑर्थो पारा हुआ, यहाँ भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, यहाँ भी 7 बनता है। ऑर्थो रिलेटेड हो तब भी 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और पारा रिलेटेड हो तब भी 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, लेकिन मेटा रिलेटेड होगा तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जैसे मान लिया हम यहाँ ले लिए Cl और यहाँ ले लिए C डबल बॉन्ड ONH2 ले लिए, एसिडामाइड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये 3 है डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, किस पोजीशन पर आया ये, ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, किस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, अब यहीं से गौर करना है, अब ये CO डबल बॉन्ड जो है ये आइसोलेटेड है और CC डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है, तो किसके साथ रेजोनेंस होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में तो रेजोनेंस होता नहीं है, तो इसलिए यही रेजोनेंस हो जाएगा। क्या बनेगा इससे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे हम दिखाएंगे, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड Cl प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, फिर ये निगेटिव चार्ज, यानी पारा रिलेटेड ग्रुप रेजोनेंस में भाग नहीं लिया, पारा रिलेटेड ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब क्या करेंगे, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम हो गया, इसके नीचे अब चले जाएंगे, तो इससे कै गो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, जस्ट एक ही ग्रुप का पार्टिसिपेशन हुआ, तो इसीलिए नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, एक ही ग्रुप का जब पार्टिसिपेशन होगा तो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, Cl प्लस है, फिर ये एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम हो गया, क्या हो जाएगा,
सी एल है, यहाँ डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, तो मेटा रिलेटेड में कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या कितनी हो जी, 5 होगी, और ऑर्थो और पारा रिलेटेड में कितना हुआ, 7। तो केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर हम देखें तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ऑर्थो और पारा रिलेटेड ग्रुप कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है, 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, लेकिन मेटा रिलेटेड ग्रुप रेजोनेंस में भाग नहीं लेता, तो एक ही ग्रुप का पार्टिसिपेशन होता है, और जब एक ग्रुप का पार्टिसिपेशन होगा तो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ दो इससे भी कोरिलेटेड एक एक दे देते हैं ताकि आप बनाएंगे। यहाँ हम NH2 ले लिए और यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, NH2 और सी ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ ऐसे ले लिए, यहाँ क्या हो गया, यहाँ F है और यहाँ, यहाँ F और यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी देख लिए, और एक मेटा रिलेटेड भी ले लिया जाए, यहाँ ओ यहाँ CH2 माइनस है और यहाँ आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो ये मेटा रिलेटेड हो गया। ये सबका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है ऑर्थो और पारा रिलेटेड के केस में, और मेटा रिलेटेड के केस में कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो अब ये हो गया कि अगर ऑर्थो पारा रिलेटेड ग्रुप रहा तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन मेटा रिलेटेड ग्रुप रहा तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऑर्थो पारा रिलेटेड ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है लेकिन मेटा रिलेटेड ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, एक बात। और दूसरी बात के मेटा रिलेटेड ग्रुप जब एक ही ग्रुप चूँकि पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑर्थो पारा रिलेटेड के केस में टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 7 बनेगा। मैं M.Laal कैरियर कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर रोजाना 9 बजे रात में लाइव पढ़ाता हूँ।